एक छोटा सा वाक्य और सुना दूं, ग्राउंड रियलिटी है ना। एक खातून का फोन आया, एक तो लोग कहते हैं फोन उठाते नहीं, पता नहीं खवातीन के फोन आ कहां से जाते हैं आपके पास। मैं 24 घंटे में एक दो फोन उठाता हूं तो उसी से इबरत हासिल हो जाती है। हर आदमी का नया वाक्य। आज मैंने 24 घंटे में दो फोन उठाए हैं, उनमें एक बड़ा डेंजरस फोन था, आप भी गवाए इस पर। वो कहां गए, फोन भी किसी और का था, वो भी बैठे हुए थे, पता नहीं कहां शॉर्ट हो गए। तो अब देखो खवातीन को मर्द कैसे उल्लू बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं ना। ये कई वाकयात आ चुके हैं, अच्छा इससे खवातीन को इबरत भी होगी। लड़के ने प्रपोज किया खातून को, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप ये फलाना डिमकाना टोपी ड्रामे चलना शुरू हुए और खर्च करना शुरू किया। खातून ने ऑब्जर्व किया, माशाल्लाह बड़ा सखी है, खुले दिल का आदमी है, बड़ा अच्छा खानदान, शादी के लारे रप्पे दे के और जनाब शादी हो गई, अब कोई खर्चा उठाने के लिए तैयार, बोलो भाई नहीं, क्योंकि जॉब ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। अब वो बेगम साहिबा जॉब करके मियाँ को भी खिला रही हैं, एक डिप्रेशन में गई हुई है, कमबख्त तुझ तो करना। फिर चूंकि लव मैरिज थी, मोहब्बत की बातें कर करके शौहर ने बीवी के जितने पैसे कमाए हुए हैं ना, वो भी कारोबार के नाम पे, बोला भाई ले ली कि बेगम मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है, मैंने मुफ्ती साहब का बयान सुना, मेरा माइंड बिजनेस का है, बिजनेस का, ऐसे डायलॉग मार रहे होते हैं, बिजनेस माइंड है मेरा, छोटे मोटे बड़ा पैसा कमाएंगे, बिजनेस के लिए मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। कहाँ से मिलेंगे जी, तुम्हारे पास है ना बेगम, मुझे 25 लाख रुपए दे दो, हजरत खदीजा ने नहीं दिए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या ख्याल है, बिजनेस किया था तो बिजनेस करके अब मैं पैसा कमाऊंगा तो हम दोनों के हालात अच्छे हो जाएंगे और तुम्हें भी प्रॉफिट मिलेगा। बेगम ने 25 लाख उठा के पकड़ा दी, फिर 25 लाख खा गया, फिर और 25 लाख, बेगम का हो गया दिवालिया। तो जब ऐसी खवातीन मुझे फ़ोन करती हैं, मैं उन खवातीन से कहता हूँ कि वो आदमी आपके साथ बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसने आपके साथ, आप जैसे माजरत के साथ, बेवकूफ़ों के साथ, बोलो भाई ऐसा ही होना चाहिए। जब उसने आपको लारे रप्पे दिए थे, मैं ये कर लूँगा, मैं आसमान से ताड़े तोड़ के ले आऊँगा, और इतना खर्चा कर रहा था, उससे पूछती तुम्हारी जॉब है क्या, करता क्या है, आपने तहकीक की थी, अगर उसने बताया मेरी ये जॉब है तो ऑफिस जाके पूछा था कि ये कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, जो उसने इतने सुरखाब के पर दिखाए थे। जज्बात का मुकाबला किससे हो रहा है, हकीकत से, तो फतह किसको होगी, हकीकत को होगी। हकीकत में उसके पास कुछ भी नहीं है और वो लारे रुपए दे रहा है, बस शादी होने दो मैं ये भी करूंगा, तो भाई पहले कर लेना, शादी के बाद क्यों करेगा, पहले करो, दिखाओ कि क्या कर सकते हो, कितना कमा सकते हो, कहां जॉब है, कहां ऑफिस है, क्या खानदान है, अब्बा क्या करते हैं, बल्कि उसका नहीं पूछो, अब्बा कभी पूछो क्या कर रहे हैं, अब्बा घर कहां है, ये घर ले जाके उसने बैरिया टाउन में दिखा दिया, तहकीक करो इसका कमबख्त का है भी कि नहीं है, है भाई, इस पर बेल बजा के पूछो, अंदर कोई खातून निकले, कौन है ये, क्या है, आप इसकी अम्मी है क्या है, बस जी उसने मुझे तो घर भी दिखा, व्हाट्सएप पे घर दिखाया है, यार ऐसे तो हम 18 शादियां करके बैठे हुए होते सही है ना, व्हाट्सएप पे घर दिखाना कोई मुश्किल काम है, घर के डॉक्यूमेंट भी दिखा देते हैं, ये तो जाके देखो किसी स्टेट एजेंट से पूछो कि ये डॉक्यूमेंट इस कमबख्त के हैं भी के नहीं है, ऐसे तो नहीं मोटरसाइकिल के, हमारे यहाँ तो पुलिस वालों को नहीं पता चलता कि ये बाइक के कागजात हैं या घर के हैं। हमारे रिश्तेदार बाइक पे जा रहे थे रात को, तो पुलिस वाले ने रोका, कागजात दिखा, उन्होंने अपने मकान के कागजात दिखा दिए, सच्चा वाक्य ये, क्या उसने कहा जबरदस्त जाओ शाबाश, ये सच्चा वाक्य है, गलत नहीं है, मुझे बता रहे थे यार मैंने मकान के दिखाए, ने छोड़ दिया, तो मैंने कहा तो झूठ है, कह रहे हैं यार वो अगला पूछेगा तो झूठ है ना, अगले ने पूछा ही नहीं कि किसके कागजात हैं। तो मकान के कागजात का यहां पुलिस को नहीं पता चलता, औरत को कैसे पता चल जाएगा कि ये इसके असल कागजात। ऐसे कई लड़कियों की जिंदगियां लड़कों ने तबाह कर दी हैं। हकीकत देखो, हकीकत भाई बताओ कि क्या है तुम्हारे पास, सबूत दो, दलील दो। जब इनसे सबूत मांगे जाए ना, तो पता है क्या डायलॉग होते हैं लड़कों के, क्या मुझ पे तुम ट्रस्ट नहीं करती, क्या मैं तुम्हें झूठा नजर आता हूं, क्या 3 साल में तुम मुझे पहचान ही नहीं सकी, थक अफसोस, मुझे तो आज मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी इस थिंकिंग पे, तुम तो इतनी घटिया सोच होगी तुम्हारी, आज मुझे बहुत अफसोस हुआ। और मैं ऐसी खवातीन बोलता हूँ, एक रख के ना उसके थप्पड़ मारो उसके मुंह पे, बोले कागजात दिखाना है दिखा, वरना ये बकवास किसी और के सामने जाके करना।
تو بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، دو دو چار کی طرح پوچھو کیا کرتا ہے بھائی تو. اور دوسری شادی اگر کوئی کر رہا ہے نا، اس میں تو اور خطرناک ہے. خاتون کہتی ہیں وہ چونکہ دوسری شادی کر رہا تھا تو آپ دوسری شادی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو میں نے کہا ہاں کر لو. اور بھائی کر رہا ہے تو کیسے رکھے گا، کہاں دوسری میں تو پہلی سے زیادہ سخت شرطیں ہونی چاہیے، کہاں رکھے گا؟ پہلے پہلی بیوی دکھا ہے کہاں؟ اس کو پتا چلا اس کو بھی لٹکایا ہوا ہے، وہ نہ گھر بار اس کا، اس کے بھی حقوق ادا نہیں کر رہا. اس کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ کرائے پہ رکھا ہوا ہے، ذاتی گھر دیا ہوا ہے، اس کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ اور زیادہ سخت شرائط ہیں اس میں. تو پوری ریسرچ کرنے کے بعد پھر آپ سے اگر غلطی ہوگی تو اس پہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، گناہ بھی معاف ہوں گے، کوئی بات نہیں بھائی. آپ کی حماقتوں سے جو آپ کو سزا ملتی ہے اس پہ تو اللہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا. تو یہ باتیں ہیں، بس کیا کرے، پورا بیان انہی چیزوں پہ چلا گیا. تو مخنچو اور دیندار جو ہے نا، ایک ہی چیز کے دو نام ہو گئے ہیں آج کل جو مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے.